हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त रोशन, और फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं हमारे वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको कवर करेंगे। जो बेसिक वाला जो पार्ट था उसी को कवर कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने अभी तक कुछ ऑप्शंस देखे, जिसमें हमने हाईलाइट सेल्स रूल देख लिया, टॉप बॉटम रूल्स देख लिया, डेटा बार्स देख लिया, कलर स्केल देख लिया, आइकन सेट देख लिया, सभी तरीके के ऑप्शन जो इसमें पहले से दे रखे थे उन सभी को हमने देख लिया। अब हमारे पास में ऑप्शन आता है न्यू रूल, कि अगर हमारे को हमारे अकॉर्डिंग किसी हमारे खुद के फॉर्मूले या खुद के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे। कि सपोज दैट, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे एक ये स्कोर शीट है, जिसके अंदर हमारे पास में है फुल नेम, ठीक है, सेक्स, ठीक है, उसके बाद में असाइनमेंट नंबर और HW, आपका होमवर्क और असाइनमेंट का नंबर कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिड टर्म, ठीक है, और फाइनल स्कोर और टोटल तीनों का मिला के कितना हो रहा है। यहाँ पे नेम में आ गया, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है वो आ गया, असाइनमेंट नंबर वगैरह सारी चीजें आ गई। अब इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे जो फाइनल स्कोर है, इस फाइनल स्कोर के अंदर मुझे वो डेटा चाहिए कि जो 15 से कम हो। मतलब मुझे उस डेटा को हाईलाइट करना है या उस बंदे को हाईलाइट करना है जिसका फाइनल स्कोर 15 से कम हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले हम हमारे यहाँ से जो शीट है, ये जो टेबल है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ से किया, ये लीजिए, ये मैंने टेबल सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको मिलेगा न्यू रूल। न्यू रूल पे आप गए और न्यू रूल में आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेलेक्ट रूल टाइप में आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। कि अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है किसी सेल को फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमारे को फॉर्मूला टाइप करना है क्या, कि इज इक्वल आपकी ये वैल्यू E3, सॉरी E2। अब ये देखिए डॉलर का साइन इसमें क्यों लग गया, डॉलर का साइन का मेन मतलब क्या होता है, तो ये अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए रेफरेंसेस का, ये सेल रेफरेंसेस की। तो इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने मुझे ई को तो फिक्स रखना है, लेकिन टू को मुझे फ्री छोड़ना है, ताकि ये टू से 3, 4, 5, 6, 7 नीचे भी अप्लाई हो जाए। ये क्या होना चाहिए, ई टू लेस देन होना चाहिए, आपने बोला 15 से कम 15, ठीक है। और इसके लिए कौन सा कलर की फॉर्मेटिंग हो, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट में गए हम, ठीक है, और फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ पे फिल में जाके यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया, जिसे मैंने यहाँ पे कर लिया येलो या फिर ये ग्रीन वाला कर लेता हूँ, और ग्रीन कलर किया, ओके किया। और आप देखेंगे जो भी 15 से कम है, भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू मीन्स इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि इट मीन्स यहाँ पे ये 15 से कम ही है आपका। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 12 लिखता हूँ, तो देखिए ये भी आपका 15 से कम ही है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 29 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये हाईलाइट हट गया है यहाँ से। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, आगे चलते हैं। हमारे पास में दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि फाइनल स्कोर क्या हो, 20 के बराबर, जो आपका फाइनल स्कोर है वो 20 के बराबर हो, वो रो हमारे को हाईलाइट करनी है। तो इसके लिए वही डेटा हमने सेलेक्ट किया सारा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद में या तो आप डायरेक्ट न्यू रूल पे जा सकते हैं, या फिर मैनेज रूल में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रूल ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे वही यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ गए, यहाँ पे आपने लिखा इज इक्वल आपका E2, और E2 के अंदर 2 को, 2 जो है उसको आप बॉर्डर का साइन हटा देंगे यहाँ से, सॉरी डॉलर का साइन हटा देंगे। ये 2 इज इक्वल होना चाहिए किसके, 20 के, और आपने फॉर्मेटिंग की, यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी देना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी फॉर्मेटिंग लगी हुई है। यहाँ पे हमने येलो कलर दे दिया और ओके किया, तो देखिए ओके।
तो यहाँ पे 20 कोई सा भी नहीं है, मैंने यहाँ पे 29 की जगह मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, तो आप देखेंगे आपका पूरा सेल जो है, जो रो है वो पूरा हाईलाइट हो गया। मैं इसको बैक करता हूँ, फिर अगले ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास में अगला जो मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो असाइनमेंट वाला जो स्कोर है वो होना चाहिए जीरो, जीरो के बराबर हो तो वो हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद में मैं न्यू रूल में गया, और न्यू रूल में यहाँ पे जाने के बाद में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ मैंने लिखा और मैंने किया इज इक्वल सी टू, यहाँ से डॉलर हटा दीजिए, इज इक्वल जीरो, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हमने ग्रीन कलर, ओके ओके। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो किया, और आप देखेंगे आपका ये शाम वाला रो हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे हाईलाइट करना है मैक्सिमम वैल्यू, टोटल सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, जिस किसी के भी सबसे ज्यादा मार्क्स आए ठीक है, उसका रो मुझे हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, जैसे मान लो कि टोटल में मुझे जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद मैं न्यू रूल में जाऊंगा, और न्यू रूल में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में गया, और यहाँ पे इजिकल करूंगा, और इजिकल करने के बाद में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा कि आपकी जो वैल्यू है, सॉरी ये F2 ये बराबर होनी चाहिए किसके, मैक्स। देखिए अभी तक मैंने आपको मैक्स का फॉर्मूला नहीं बताया, मैक्स के फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं इस रेंज में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो आएगी इसके अंदर। तो आपने बोला कि इस F2, ये जो F2 है मतलब ये जो आपकी ये वाली जो सेल है ये बराबर होगी किसके, मैक्सिमम नंबर, मतलब इसमें से मैक्सिमम नंबर निकल के आएगा, मैक्स जो फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का काम करता है ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसके बराबर अगर आपकी जो वैल्यू होगी ठीक है, तो ये इसको हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे इस सेल में इस F2 के अंदर इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, तो ही ये क्या करेगा, उसको हाईलाइट करेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया रेड कलर और ओके किया, तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, 55। मैंने यहाँ से इसको चेंज करूंगा तो वो 50 कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज लगा हुआ है, तो फॉर्मूले से ये 50 करूंगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे अब सबसे जो ज्यादा वैल्यू हो गई इस रेंज में कौन सी होगी, 72, तो उसने 72 को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो कुछ पार्ट हैं, कुछ एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल की चीजें हैं जिनको मैं आगे के वीडियोस में कवर कराऊंगा जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताते रहें ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। चलिए, थैंक यू।